Hi everyone, welcome in AAD. Yes guys, today we are going to learn how to make a perfect fashion illustrations and learn especially how to do rendering, shading and blending. This technique is very important in fashion designing and especially when we are making fashion sketches. So guys, yes, today we are going to learn how to make a perfect fashion sketches. So let's start, and I hope guys definitely you like this video. So guys, चलिए क्लास की तरफ चलते हैं और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक बेहतर फैशन स्केच बनाएं. और गाइज, जैसे कि मैंने प्रीवियस शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हम थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया का यूज़ करेंगे. एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जिस कलर मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है. तो यस दोस्तों, आज हम अपने इस क्लास में यूज़ करेंगे कलर पेन. एंड हाउ टू यूज़ कलर पेन, किस तरह से हम टीन एंड शेड टेक्निक्स अप्लाई करने वाले हैं लाइटर शेड्स में, किस तरह से हम शेडिंग करेंगे, किस तरह से मोमेंट देंगे. एंड देन सेकेंड मीडिया है, कलर मीडिया इज़ शेडिंग पेंसिल, जैसे कि आपने देखा. एंड दिस पेंसिल इज़ वेरी इजी अवेलेबल एनी ऑनलाइन शॉप और यू कैन इजली बाय इन नियर बाय स्टेशनरी शॉप. सो आप बहुत आसान से ही सीख सकते हैं कि परफेक्ट फैशन इलस्ट्रेशन और फैशन स्केचेस कैसे बनाएं. क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो चलिए पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से पेन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं और टेक्निक क्या है, जो सारा मैम आपको समझाने वाली है. सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे स्केच पेन ले रहे हैं जो मार्केट में बहुत ईज़िली अवेलेबल है और मेरी कोशिश है कि बहुत ईजी वे पे मैं आपको सिखाऊं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट किया है. ड्राइंग के बाद हमने यहाँ फोर डिफरेंट पिंक कलर के शेड्स लिए हैं टिन एंड द शेड्स में. ठीक है गाइस, अब सबसे पहले यहाँ पे आप अपने स्केच के ऊपर लाइट शेड्स अप्लाई करें, पर मेक श्योर आपके स्केचेस में आउटलाइन किया हो ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से अप्लाई करें. आज का जो फैशन स्केचेस है उसमें हम फोर अप्लाइंग कलर शेड्स डालेंगे एंड दैट कॉल्ड मीन्स 1x4. एक कलर शेड्स को हम फोर डिफरेंट वे पे और फोर डिफरेंट कलर को अप्लाई करेंगे ऑन द स्केच, ताकि हमारा जो फैशन स्केच है, फ्लैट स्केच है, वो रियल लगे. सो स्केचेस को रियलिस्टिक लुक देने के लिए ज़रूरी है कि आप फोर टाइम्स अप्लाइंग करेंगे. और अप्लाइंग का मेथड है लाइटर टू डार्कर. इट्स मींस कि सबसे पहले आप लाइट शेड अप्लाई करें, देन उसके बाद सेकेंड शेड्स अप्लाई करें, देन उसके बाद थर्ड शेड अप्लाई करें, देन डार्कर शेड से आप उसे फीचर्स को कंप्लीट करें. सो इस तरह से यहाँ पे हमने एक पिंक कलर का टॉप कंप्लीट किया है. और टोटली आज का ये जो फैशन स्केच है, इसके लिए मैंने फैशन स्केचेस बनाने के लिए कलर पेन का इस्तेमाल किया है. इट्स कॉल्ड इस स्केच पेन और ये फेवर कैस्टल का है. आप किसी भी ब्रांड का स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं. फेवर कैस्टल इज़ गुड ब्रांड, यू कैन यू नो ट्रस्ट ऑन दिस ब्रांड. और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. और गाइज, यहाँ पे रुककर मैं कहूँगी कि आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, डे बाय डे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके स्केचेस और भी अच्छा बन के आए. जितने भी AAD स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बैचेस के हैं, आप लोगों के लिए असाइनमेंट है गाइज कि जो इलस्ट्रेशन हमने आपको यहाँ पे सिखाया है उसे आप शीट में बनाएंगे और क्लास में आप मुझे दिखाएंगे ताकि मैं करेक्ट कर पाऊँ. ये आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होगी जो वीडियो अपलोड होते हैं. दिस इज़ द प्रैक्टिस क्लास. और जो क्लासेस के असाइनमेंट हैं वो आप टाइम से तो कर ही रहे हैं. मेरी कोशिश है कि
आपको मैं परफेक्ट बना सकूं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं हार्ड वर्क पर, हम बिलीव करते हैं ड्रीम कम्स ट्रू पर। इसलिए जितने भी AAD के स्टूडेंट्स हैं, आप सब मेहनत करें। एंड गाइस, 1 सितंबर से 11th बैच शुरू होने वाला है, सो जितने भी स्टूडेंट लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को कि आप लोगों ने 11th बैच में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल गया है। आपने बहुत अच्छे से तमाम स्टेप कंप्लीट किया है और आप लोगों को आपका रजिस्ट्रेशन कोड मिल गया एंड मटेरियल डिटेल्स भी मिल गए होंगे। सो बस 1 सितंबर हम मिलने वाले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा स्केच पेन का फ्लैट स्केच इस तरह से कंप्लीट हो गया है और गाइज मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसा लग रहा है। एंड नेक्स्ट है हम शेडिंग पेंसिल से रेंडरिंग एंड शेडिंग टेक्निक सीखेंगे। हमने पेन का इस्तेमाल कर लिया, स्केच पेन का इस्तेमाल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं शेडिंग पेंसिल एंड देन 3rd और 4th में मैं अलग अलग कलर मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या मेथड है, क्या टेक्निक्स है, ये तमाम मेथड्स आपको सिखाऊंगी। कहाँ? जी हाँ, जूम क्लास में। एंड गाइज, आज से हमारी वीडियो वीकली ओनली 3 डेज अपलोड होगी एंड देन आई एम बिजी विथ अदर प्रोजेक्ट एंड हमारा फैशन शो होने वाला है। सो गाइज, हमारी वीडियो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही अपलोड होगी एंड कौन कौन से दिन होगी ये हम कम्युनिटी टैब में बता देंगे ताकि आप टाइम के हिसाब से अपनी शेड्यूलिंग करके हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। एंड क्लासेस जो हैं वो ऑन द टाइम रेगुलर चलेंगी। जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं स्टूडेंट उनके लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड देन ओनली वीडियो जो यूट्यूब का है वो वीकली ओनली 3 डेज। सो गाइज, आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए, मैं आते जाऊंगी, समझाते जाऊंगी, बताते जाऊंगी और सिखाते जाऊंगी। एंड देन अगेन कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी सपना है फैशन डिज़ाइनर बनने का, आपका भी सपना है फैशन वर्ल्ड में अपना नाम बनाने का, ड्रीम कम ट्रू करने का, तो हमारे साथ आइए। बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि हमारा नेक्स्ट बैच का रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो रहा है ताकि आप भी पहले से प्रिपेयर रहें और कनेक्ट में रहें नेहा मैम के। नेहा मैम का नंबर, AD इंस्टीट्यूट का नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है। तो अपनी सीट को किस तरह से बुक करनी है, क्या स्टेप्स हैं, क्या फॉलोअप करना पड़ता है, ये तमाम डिटेल आप वहां से ले सकते हैं। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम शेडिंग पेंसिल से करने वाले हैं रेंडरिंग एंड शेडिंग। सो ये है क्लासमेट का शेडिंग पेंसिल और इसकी प्राइस है 54 रुपीज़ और ये बहुत आसानी से किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाते हैं और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिटेल्स मैंने दे दिए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके मंगा सकते हैं। तो ये टोटल 6 पेंसिल का सेट है और हर एक पेंसिल में उनके नाम दिए हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ये नाम आपको दिख जाए। और क्लासमेट इज़ रियली अ गुड ब्रांड और आप ध्यान दीजिएगा कि आप जितने भी मटेरियल यूज़ करें वो बेस्ट हो। 6 पेंसिल के सेट्स हैं, अलग अलग इसमें नंबरिंग है, ठीक है। हर नंबर का अलग अपना इफ़ेक्ट होता है। इस नंबर को किस तरह से हम फॉलोअप करें, किस तरह से सीखें, किस तरह से अप्लाई करें और ड्राइंग बनाने में, फ्लैट स्केच बनाने में, फैशन स्केच बनाने में, शेडिंग करने में किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे अलग अलग पेंसिल का, वो हम सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास में ओनली हम करने वाले हैं शेडिंग एंड अप्लाइंग द पेंसिल ऑन द फ्लैट स्केच। तो अप्लाइंग करने का तरीका मैंने हमेशा बताया है, आप वर्टिकल यूज़ कीजिए, जिस तरह से मूवमेंट है उस तरह से आपको अप्लाई करना है। एंड गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि कंप्लीट होने के बाद इसका लुक किस तरह से आ रहा है। और अगर आपको और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको देखने हैं तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से वीडियो अपलोड करेंगे। एंड गाइस, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट अच्छे हुए तभी हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वी आर अ वेरी वेरी बिजी इन अदर प्रोजेक्ट।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से YouTube पर आते रहूं, आप लोगों को सिखाते रहूं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक किस पे सीखना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, ताकि हम आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो भी बनाएं। सो गाइज, इस तरह से देखिए, सिखाते सिखाते बात करते करते हमने पेंसिल अप्लाई कर ली है, एंड देन अब आप देखेंगे इसको आउटलाइन हमने करना है, और आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो अगर आपको शेडिंग करते करते पेंसिल अगर बाहर आ जाए, जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं आ गई है, तो घबराने की बात नहीं है, आप इलस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कलर्स बाहर निकल गए हैं वो आप इरेज़र से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, पेंसिल अप्लाई करने का मेथड क्या है, मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, ये तमाम मेथड आपको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि गाइज मेरा मानना है कि बेस्ट वही सिखा सकता है जो बेस्ट सीखा हो। सो ऑलवेज बिलीव ऑन हार्डवर्क, एंड गाइज आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज हमेशा उन तमाम स्टूडेंट्स, तमाम वुमेंस जो जिनके सपने हैं फैशन डिज़ाइनर बनने का, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं 24/7। आइए जुड़िए इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज के फैमिली का हिस्सा बनिए, और अपने सपनों को पूरा कीजिए। और बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगी आने वाले शोज के अपडेट्स एंड वीडियोस, ताकि आप भी अपने सपने पूरे कर सकें। जी हाँ, किनके साथ? मेरे साथ, विद आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज के साथ। इस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा और आगे का सफ़र जारी रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सीखते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा विद आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज के साथ। तो देखिए इस तरह से, किस तरह से हमने इफ़ेक्ट दिया है और किस तरह से ये नज़र आ रहा है। सो फाइनली हमने यहाँ पे कलर पेन एंड स्केच पेंसिल एंड स्केच पेन की सहायता से हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी ड्राइंग। सो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्लास में, दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय। एंड गाइज, जल्दी अपडेट्स देने वाली हूँ नेक्स्ट बैच के रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सकें और जूम में लाइव क्लास ले सकें और सीख सकें ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, 3 मंथ बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स और 6 मंथ एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स। टेक केयर, बाय बाय।